आप पीयू पॉलिश कर रहे हैं या करवा रहे हैं, या पीयू पेंट कर रहे हैं, लकड़ी पे कर रहे हैं, छड़ी चमार पे कर रहे हैं, या एमडीएफ पे कर, किसी पे भी कर रहे हैं, उसके लिए आपको इपॉक्सी क्यों लगाना जरूरी है? कुछ लोग इपॉक्सी को स्किप करवाते हैं, वो क्यों नहीं करवाना चाहिए और इपॉक्सी के क्या क्या बेनिफिट है, आज यही इस वीडियो में हम लोग जाने। इपॉक्सी कोटिंग पीयू पेंट के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर, पेंट को बेस पे अच्छे से चिपकाने की जो ताकत होती है उसको बढ़ाती है। इससे पेंट बहुत ही अच्छी तरीके से चिपकता है। जब पेंट अच्छे से चिपकता है तो वो लंबे समय तक चलता है और उसके निकलने का, चिपिंग होने का, उधड़ने का खतरा नहीं रहता। इपॉक्सी कोटिंग ही है जो पेंट को ज्यादा मजबूत बनाती है। इससे पेंट को नेचुरल ताकत मिलती है और स्क्रैच इससे काफी हद तक बचाती है। पेंट की उम्र इससे बढ़ जाती है और बार बार हमें पेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। HDCMR या MDF पर जब आप इपॉक्सी कोटिंग करते हैं तो वो नमी से उसको बचाता है। ये कोटिंग पानी से होने वाले नुकसान को बचाती है जिससे पेंट की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। नमी के कारण जो फफूंदी या ब्लीचिंग वगैरह जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है उनको रोकता है। इपॉक्सी कोटिंग से जो हमारा बेस है वो ज्यादा चिकना होता है और स्मूथ होता है। अगर आप बेस को अच्छी तरह से तैयार करते हैं तो जो पेंट की फिनिश है वो बहुत अच्छी आती है और पेंट करने के बाद जो हमें फाइनल लुक मिलता है ग्लॉस में वो चमकदार मिलता है, काफी ग्लॉस मिलता है और प्रोफेशनल दिखाई देता है। तो इसलिए भी हमें इपॉक्सी कोटिंग करना चाहिए। तो अगर आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो भी आपको इपॉक्सी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि कमर्शियल में हम लोग रफ एंड टफ यूज करते हैं। इसलिए आप किसी भी तरह की लकड़ी के ऊपर या बोर्ड के ऊपर अगर इपॉक्सी करते हैं तो वो आपको बेनिफिट ही देगा। बेशक इपॉक्सी महंगा आता है लेकिन अगर आप उसको स्किप करेंगे तो आपका जो ऊपर पेंट लगेगा उसकी भी आपको अच्छी फिनिशिंग नहीं मिलेगी। आपके पेंट पर दाग धब्बे भी आ सकते हैं और वो खराब भी, उसमें चिपिंग भी हो सकती है। चाहे आप किसी शॉप पे, फैक्ट्री में या घर में कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, आपको इपॉक्सी जरूर यूज करनी है। अच्छा, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसकी इपॉक्सी की पैकिंग कैसे होती है। ये जो इपॉक्सी सामने आप देख रहे हैं ये इपॉक्सी की पैकिंग है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक हार्डनर होता है, एक रेजिन होता है। हार्डनर, इसमें हार्डनर और रेजिन दोनों बराबर मात्रा में मिलाया जाता है और मिलाकर कोटिंग की जाती है। आप हाथ से कर सकते हैं, हाथ से करना ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि उससे ओवर कोटिंग नहीं होती और पिनहोल नहीं बनते हैं। अगर आप स्प्रे से करना चाहें आप उससे भी कर सकते हैं लेकिन वो रिस्की रहता है। जैसे इपॉक्सी बेनिफिट देती है, फायदा देती है, ओवर कोटिंग नुकसान भी करती है, तो आपको ओवर कोटिंग नहीं करनी है। यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं वो HDCMR पर कर रहे हैं। आपका MDF हो या HDCMR हो या वुड हो, तरीका करने का यही है और ये लगाना भी जरूरी है। इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं। पीयू पॉलिश या पीयू पेंट अपने आप में इतने महंगे हैं कि अगर आप इपॉक्सी को नहीं लगाते हैं, स्किप करते हैं, तो आपका जो इतना महंगा मटेरियल है वो भी खराब जाएगा और इसकी लेबर भी बहुत महंगी होती है, वो लेबर भी खराब जाएगी। तो बेहतर है कि आप इपॉक्सी लगाएं ताकि आपको अच्छी आउटपुट मिल सके। अगर आप काम करते हैं, किसी का काम कर रहे हैं, तो भी आपको इपॉक्सी लगाना चाहिए। आप क्लाइंट को समझाएं अगर इपॉक्सी नहीं लगाएंगे तो उसके क्या क्या नुकसान है। मेरी वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं इसके नुकसान कितने हैं। अगर आप ध्यान से शुरू में सुनेंगे तो मैंने सारे नुकसान इसके बताए हैं और आपको ये भी बताया कि इससे बेनिफिट क्या होंगे। तो आपको हमेशा इपॉक्सी यूज़ करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।